गाइस, कैसे आप सब। मैं रवि, मैं कनिका। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। तो यार शुरू करते आज का व्लॉग। तो सना, आज का व्लॉग क्या है बताओ। आज का व्लॉग नहीं है, आज हम कुकिंग करेंगे और कुकिंग नॉनवेज ही करेंगे। वो तो हाँ। आपको दिख ही गया होगा थंबनेल पे, बट उसको कहते क्या है इंग्लिश में, क्या कहते हैं उसको? लीवर एंड गिजार्ड बोलते हैं भोजपुरी में, बोलते क्या कहते हैं, पथरी कलेजी। यस, और हिंदी में बोलते हैं फोटा कलेजी। हाँ, वो पता है खाना बहुत अच्छा होता है ठंडियों में, खास ठंडियों में खाना चाहिए वैसे तो। और अभी फिलहाल तो यार कोई ये कमेंट में ये मत बोलना कि स्वाइन फ्लू चल रहा है। मैं पूरा डिटेल लेके खरीद के लाया हूँ, ठीक है? पूरा अच्छे से मैं देख के और दुकान वाले से पूछ के सारा डिटेल के हिसाब से मैं लाया हूँ। ये मत बोलना कमेंट में स्वाइन फ्लू चल रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ आपसे। मैं उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूँ जो मिस्टी ने आई थिंक कल डाला था अपने ब्यूटी चैनल पे, कनिकास ब्यूटी वाले पे। उसमें हेयर का कुछ बताया था, हेयर मास्क बनाया था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट ऐसा आ रहा है कि वीडियो फेक है, आपने वीडियो हेयर स्ट्रेट कर लिया है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि तुम लोगों को लग रहा है कि एक बार में इतना नहीं होता, ठीक है नहीं होता, लेकिन मिस्टी ना उस मास्क को पहले से यूज़ करती आ रही है, बहुत पहले से। वो आपको हमें बताना था, हमने बना दिया वीडियो। और जिनको लग रहा है ना वो हेयर स्ट्रेट किया है, तो एक काम करना, फुल वीडियो डालूंगा मैं और फुल वीडियो बना के दिखाऊंगा, वैसा ही हेयर रहेगा। और तब तब वो लोग कमेंट करना कि कहाँ गए वो लोग भाई, ठीक है? एक फुल वीडियो डालेंगे हम उसी पे दोबारा हेयर मास्क के ऊपर। हाँ, भाई यार पहले ट्राई तो कर लिया करो, तब बोला करो कुछ। वो जो मास्क मैंने बनाया था ना, वो मास्क मैं अभी मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो मैं बहुत पहले से करती हूँ। बहुत पहले, कम से कम मेरे को एक साल हो गया है। वो आपको बताना था इसलिए हमने वीडियो बना दिया। तो अभी मेरे बाल स्ट्रेट ही दिख रहे हैं। अभी भी देखो, अभी भी काफी ज्यादा मतलब ठीक बाल लग रहे हैं। तो यार ऐसा एक बार ना कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि भाई वीडियो फेक है, आपने हेयर स्ट्रेट किया। मैं एक सबको पता है कि मेरे पास स्ट्रेटनर नहीं है। मैं फुल वीडियो बनाऊंगा और देखना आप, वैसा ही हेयर रहेगा, देख लेना आप। हम लोग एक कहीं भी कट नहीं करेंगे और आपको देखना पड़ेगा वीडियो, तभी आप लोग बिलीव करोगे। क्योंकि भाई ऐसे मेरे को ना पसंद नहीं है कोई इतनी हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आप लोग डायरेक्ट बोल देते फेक है। मतलब अगर आपके बाल कर्ली है, अगर घुंघराले बाल है तो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। जो नॉर्मल बाल होते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि वो ड्राई हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उनके लिए हम बोला है। जो बिल्कुल ही कर्ली बाल होते हैं वो तो भाई नेचुरल है, तो नेचुरल को तो नहीं कर पाएंगे, उसको तो आपको सीधा सैलून में करवाना पड़ेगा जाके स्ट्रेट, तो है ना। तो अभी बस वो वीडियो भी जल्दी आएगी, नेक्स्ट वीडियो हम सोच रहे हैं बनाए उसी पर फुल वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आया, बहुत ज्यादा हम लोग रिप्लाई कर करके ना थक गए हैं लोगों का। अब आएगा तो मैं रिमूव कर दूंगी डायरेक्ट, या तो मैं ब्लॉक कर दूंगी उसको। What are you doing? Nothing. मतलब पता है क्या है, मैं ना थोड़ा वैसे बात करती हूँ, ठीक है? पहले मैं ऐसे बात नहीं करती थी। और गाइस पहली वार्निंग दे दे रहे हम लोग कि नॉनवेज बन रहा है, तो भाई प्लीज जो नहीं खाते नहीं देखते प्लीज ना देखो यार, प्लीज मत देखो यार, कमेंट में मत बोला करो प्लीज। आप जाके बस आउटरो देखिए। वो अभी मैं दूर से दिखा रहा हूँ, मैं पास से नहीं दिखा रहा, दूर से दिखा रहा हूँ, किसी को आइडिया नहीं मिलेगा। मिस्टी अभी धोने जा रही है उसको, पोटा कलेजी को, है ना, इसको साफ करेगी अच्छे से, फिर अच्छे से बनाएंगे। और बनाओगे कैसे, रस वाला या फिर सूखा सूखा? चावल के साथ खाएंगे। चावल का मतलब रस वाला ना। रात को बचेगा तो उसको सुखा देंगे। ओके, तो रस वाला बनाने वाली है, ग्रेवी वाला पोटा कलेजी। अगर आपको देखना है रेसिपी तो आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे को लहसुन छीलने का काम मिल चुका है और इसके लिए मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही है, ये फ्री में कर रहा हूँ मैं। बना के खिला रही है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए यार, मौज है जिंदगी, है ना। लहसुन का साइज देखो भाई साहब, कितने बड़े बड़े, देखो मेरे अंगूठा के बराबर है लहसुन ये वाला। मैंने यहाँ पे तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो गया है और इसको चलाना सुना थोड़ा सा। और इसमें मैंने डाला है तेज पत्ता और सूखी मिर्च, जो डालते हैं नॉनवेज में हर खाने में, ठीक है। और मैंने यहाँ प्याज काट के भी रख दिया है और लहसुन मिस्टू ने छील के भी रख दिया है। एक लहसुन है वो मैं साबुत डालूंगी मिस्टू के लिए दूर। पहले मेरे को डर लगता था छौंक लगाने में, अब मेरे को आदत हो गया है। प्याज भी कब तक रखना है इसको? प्याज को लाल लाल कर लेंगे। इसको जलाएंगे नहीं, पिछली बार की तरह बिरयानी की तरह नहीं, इसको थोड़ा हल्का हल्का लाल लाल कर लेंगे, ठीक है? ब्राउन बोलो, ब्राउन हल्का ब्राउन कर लेंगे।
और उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। One eternity later. हमारा प्याज अब हो चुका है लाल, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया खड़े, और जो मैंने छिले हुए लहसुन डाला था वो इसलिए डाला ताकि वो गल जाएंगे अंदर ही। Yes. क्योंकि बहुत लोग पीस के डालते हैं। यो, अब इसके अंदर डायरेक्ट चिकन, अब डायरेक्ट चिकन डालेंगे। आप देख सकते हो मसाला, मसाला कब डलेगा वो तो पकने के बाद, जब चिकन थोड़ा हल्का पक जाएगा आधा। ओके, उसके बाद चलो आप देख सकते हो मैंने चिकन डाल दिया इसके अंदर। चिकन मत बोलो, चिकन बोलोगे चिकन की बेइज्जती हो जाएगी फिर। हाँ। सॉरी पोटा चलेगा। हाँ, इसको चलाओगी, अब थोड़ा सा चला ले, फिर ढक दोगी इसको, है ना? इसको ढक के पकाता रहूंगा कितने मिनट, आधा ये पक जाएगा भाई, आधे घंटे के लिए पकाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, यार इसका तो पूरा कलर चेंज हो गया मिस्टी। हाँ, है ना? अब गल रहा है ना धीरे धीरे, अब गल रहा है मसाला, अब डालोगी? अभी नहीं, तो अभी धीरे धीरे पकाएंगे, थोड़ा देर और इसको ना। हाँ। ओ, पानी बहुत सारा निकाल दिया इसने, देखना छोड़ दिया पानी, कोई तो निकाल दिया छोड़ दिया। जा रहे हम लोग मसाले डालने चिकन में, सॉरी कोटा करीजा में। चिकन आपको तो पता ही है क्या क्या मसाला डालता है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। इसके अंदर क्या क्या है? इसमें है मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला और धनिया का पाउडर, ठीक है, और जीरा का पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट। यस, या डालो 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 जल्दी डालो ताकि भूख लगी है मेरे को भी बहुत कस के भूख लगा है। अब हम थोड़ा गैस को तेज कर देंगे ताकि डबके, है ना? डबो 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 डबके, और इसमें कलर आ जाएगा। अब कितने टाइम लगेगा बनने में? और अब तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको, वही 15-20 मिनट और को बस हो जाएगा। इसमें एक चीज और डालना है। क्या? चिकन मसाला। चिकन मसाला भी डाला नहीं तुमने अभी? नहीं, वो तो अलग से डालता हूँ मैं। अच्छा, तो पहले मैं इसको खा लेता हूँ। देखो डब्बे में आने लगा ना भाई, तुम अभी से टेस्टी लग रहा है, बट अभी इसमें कलर आया नहीं, कलर आएगा तब और ज्यादा अच्छा लगेगा। पूरा पूरा नहीं डालेंगे, तो ये 10 का है ना? हाँ, पूरा है। आधा डालेंगे, आधा दिखाओ कितना है अभी, तो थोड़ा सा और है। इसको हम चला लेते अच्छे से, चला के फिर ढक दो। सो गाइस, अब सब कुछ हो चुका है ना, अब बस चला के थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे। अब ये ढक दिया, अभी अपने आप ही बन जाएगा, अब अपना बनता रहेगा। उसके बाद हमें ग्रेवी के लिए हल्का पानी डालेंगे इसमें। पानी तो पहले से इतना सारा उसमें, वो सब सुखा देना है। अच्छा, सुखा देना सबको, है ना? हमने अच्छे से मसाले पका लिया है, और कलर देखो। ओ भाई साहब, क्या लग रहा है यार, कितना मस्त है गाइस, टेस्टी लग रहा है। दो दो नॉनवेज खाते भाई, देख लो एक बार, देखो यार, है ना? टेस्टी लग रहा है, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, खाने में कैसा होगा वो पता चलेगा खाने के बाद। क्यों तुम खाते नहीं हो? नहीं, टेस्टी तो बनाती हो वैसे तुम तो। तो मैंने जिस कटोरी में मसाला मैंने डाला था, खोल के रखा था और उसमें डाला था, तो वही कटोरी के अंदर मैंने पानी डाल के मैं जा रही हूँ पानी डालने। डालो 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 ना, इतना ही डालोगे बस? यस, काफी है इतना हम दोनों के लिए। ओके, हो गया, अब इसके बाद बन गया, है ना? बस डबका देना, हो गया। हाँ, अब इसको हम पकाएंगे अच्छे से, पका देंगे, ये उबलने लगेगा फिर बंद कर देंगे, है ना? Yes. गाइस बस, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगा थोड़ी देर में आपके। अब बन चुका है हमारा खाना, अब मैं जा रही हूँ इसको बंद करने, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखो वो भाई, मारो मुझे। थोड़ा बंद कर देते गैस, अब हो गया, अब इसको ढक के रख देते हैं। देखो गाइस, ओ माय गॉड, कौन कौन ये खाता है आप कमेंट करके नीचे से गर्म लग रहा है। ओ माय गॉड, बहुत गर्म है। देखो यार, बहुत टेस्टी लग रहा है, खाओ तुम। अभी मैं कुछ खा रहा हूँ। अच्छा, तो गाइस मैं खा लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मैंने खा लिया और बहुत ही टेस्टी बना, एकदम मजा आ गया भाई। मिस्टी बहुत अच्छा बनाती है वैसे, चिकन वगैरह और मटन भी बहुत अच्छा बनाती है। मटन का भी एक बार वीडियो बनाएंगे कभी बीच में हम लोग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और दोनों का नाम यहाँ लिखा हुआ रहा है, इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करो, क्या कर रहे हो जल्दी फॉलो करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone.